हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देखना। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या एक नई अपडेट आई। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, फसल खरीद से संबंधित एक जरूरी अपडेट आई, आइए देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि राशन डिपो होल्डर करेंगे फसलों की खरीद, जारी किए लाइसेंस। जो राशन डिपो हैं फ्रेंड्स, जो राशन डिपो होल्डर हैं, वो फसलों की खरीद करेंगे। जो गेहूं की फसल है, जो आढ़ती कमेटी है, उनका तो जो हड़ताल का प्रदर्शन वो जारी हो चुका है पूरे हरियाणा में, आप देख सकते हैं। जो राशन डिपो है वो फसलों की खरीद करेंगे, हमारे गेहूं की फसल की, जितने भी किसान भाई उनकी गेहूँ की फसल की खरीद की राशन डिपो होल्डर करेंगे, इसमें बताया गया। और लाइसेंस भी उनके जारी कर दिए गए हैं जितने भी राशन डिपो होल्डर थे। इसमें बताया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता ने किया मंडियों का दौरा, जानी स्थिति। ये यमुनानगर से अपडेट आया हरियाणा के। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने यमुनानगर जिले की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा करके किसानों व आढ़तियों से बातचीत की। आढ़तिया द्वारा कल से गेहूँ की खरीद बंद कर दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब राशन डिपो होल्डर को गेहूँ खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की इच्छा यही है कि आढ़ती की गेहूं की खरीद करे, और इसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है, जिसका समाधान निकालने की उम्मीद है। अगर समाधान नहीं निकला तो किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राशन डिपो होल्डर को स्थायी लाइसेंस जारी करने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेरोजगारी बारे रिपोर्ट सरासर गलत, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन को लेकर उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट सरासर गलत है, यह प्राइवेट संस्था द्वारा तैयार की गई है। हरियाणा में रोजगार पोर्टल पर स्वेच्छा से रजिस्टर करने वाले 8 लाख बेरोजगार हैं, और उनमें भी सभी बेरोजगार नहीं हैं। कोई काम कर रहा है और कोई अच्छी नौकरी के लिए रजिस्टर किया है, इसमें जानकारी दी। फ्रेंड्स, आढ़ती एसोसिएशन के बारे में इसमें बताया। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया, आप देख सकते हैं, यमुनानगर के अनाज मंडी में शुक्रवार को निरीक्षण करने के लिए हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता, देख सकते हैं TC गुप्ता जी हैं, वो यहाँ पर व्यायना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया खनन से 1022 करोड़ का राजस्व प्राप्त। अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हरियाणा में थोड़ा बहुत अवैध खनन का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल खनन से 702 करोड़ रुपए का राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे, लेकिन इस वर्ष यह राशि कोविड के बावजूद 1022 करोड़ हुई है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में अवैध खनन के मात्र 2 मामले सामने आए थे, जिनमें से एक मामले पर अभी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 10 साल पहले जहां 1024 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में आता था, वही उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर गलत सोचकर लेकर अवैध खनन की शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि NGT हरियाणा के कई सरकारी विभाग पर इस पर नज़रें रखे हुए हैं, और अवैध खनन वाली कोई अधिक बात सामने नहीं आई, इसमें जानकारी दी है। फ्रेंड्स, जितने भी आढ़ती एसोसिएशन कमेटी है फ्रेंड्स, उन्होंने तो हड़ताल की है, तो इसमें जो किसानों की गेहूं की फसल की खरीद है जो राशन डिपो होल्डर द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आढ़ती एसोसिएशन नहीं माने तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो इसमें जानकारी ये बताई गई है। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यही जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।